डॉक्टर साहब, तुसी एक लंबे समय तो कपूरथला शहर के विच कह लो कि लबोरेटरी चला रहे हो, तो जिते कि सरकार पिछे के एक पेपर के विच आया कि हुशियारपुर कपूरथला होर कई एक एक दो शहर के विच होर जिते कि मेडिकल कॉलेज का काम जंगी पद्धर से चलता पिया वा, तुहानू कि इत्थे नज़र आया कोई मेडिकल कॉलेज का काम? बहुत लंबे समय तो असं सुन रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज कपूरथला बन जा रहा है, पर जिस जगह पे ये मेडिकल कॉलेज बनना है उस जगह पे नवे मेडिकल कॉलेज का कोई नामो निशान नहीं है। तो बट उत्ते हर दिवाली के उत्ते पटाखा मार्केट जरूर लगती है जी, हूँ भी लगनी है। तो कोई भी नामो निशान नहीं है, कोई नवी डिवेलपमेंट किसी पास भी दिखाई नहीं दे रही, और आने वाले समय के मैनू नहीं लगता कि जल्दी ये मेडिकल कॉलेज बनेगा और जल्दी शुरू हो जाएगा। पर पिछले दिन एक पेपर दे विच एक न्यूज़ भी लगी, चंडीगढ़ मीटिंग भी हुई जिते कि सीएम साहब वालों मतलब कि कुछ सरकारी आईएएस अधिकारियों को निगरानी लिए अपॉइंटमेंट भी किया गया वा कि काम चंगी पद्धर से चलता वा, तो जमीनी पद्धर से की हकीकत वा? सीएम साहब बयान तो देंगे है जी, बट वो बयान जड़े अमली नहीं होंगे, वो सिर्फ कागजा ही रह जाते हैं। जे सीएम साहब के बयान का कोई असर हों हूँ तक मेडिकल कॉलेज जोड़ा वो बन जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो इस सैशन के एडमिशन भी हो जानी चाहिए सी, क्योंकि इन्नी देर तो हो गई है सुनद्या कि मेडिकल कॉलेज बन रहा, मेडिकल कॉलेज बन रहा, ग्रांट आ गई है, ग्रांट दे दी है, असं जंगी पद्धर से काम कर रहे हैं, पर जमीनी तौर पर कोई भी उत्ते नामो निशान नहीं है नवे मेडिकल कॉलेज का हाल तक। तुहानू कोई आस जां उम्मीद हैगी क्योंकि शायद दिन कोई मेडिकल कॉलेज मिलूंगा? आस उम्मीद तो पूरी है जी कि ये सरकार दे होंदे होंदे मेडिकल कॉलेज बनेगा, बट देरी क्यों हो रही है ये हाले तक किसी नूं भी पता नहीं लग्या कि देरी का कारण की है। सर जी, आप गल करिए, तुसीं भी कह लो कि कांग्रेस पार्टी दे शहरी प्रधान हो कपूरथला दे, जे आप मेडिकल कॉलेज नूं लैके गल करिए, कह लो कि एक पिछले 15 तरीक नूं एक खबर लगी सी चंडीगढ़ तो कि सीएम साहब वालों कि अधिकारियों ने मीटिंग करके तो उन्होंने वालों गल कही कि जमीनी पद्धर से काम चलता पिया वा, तुसीं देखते कि तुहानू कोई लग्या कि जमीनी पद्धर से काम चलता पे इत्थे कोई उसारी दा मेडिकल कॉलेज दी? देखो गल आ कि जिस जगह पर मेडिकल कॉलेज की चर्चा चल रही है कि मेडिकल कॉलेज बन रहा, मैं समझदा कि मैनू लगता कि उत्थे 20-20 फुटियां 15-15 फुटियां कंधा चक्किया हुई वा तो लेंटर की तैयारी की जा रही है। सो ये गल्लां सारियां ख्वाब ही आ, मैं लगता कि बैठे बिठाए सीएम साहब ने या कोई होर जड़े उन्होंने आला अधिकारी ने उन्होंने कड़ा ख्वाब देख लिया कि कपूरथले दे विच उसारी जी चल रही है मेडिकल कॉलेज। तुसीं आप जाके देख सकते हो कि किते भी मेडिकल कॉलेज बनना तो दूर, एक इट तक नहीं उत्थे लगी, और उत्थे देखो बुरा हाल आ जगह का। सो किदां दे बयान जारी किए जा रहे हैं, और लोकल लीडरशिप जिहड़ी आम आदमी पार्टी की है, या इन्हां वल्लों फीडबैक उत्ते गलत दिता जा रहा, तो या अधिकारी लगता कि वह कागजां दे विच ही बनाई जा रही मेडिकल कॉलेज। सो गल्लां देखो किन्नियां हास होणियां गल्लां वा, सो प्रैक्टिकली जिहड़ा जमीनी लैवल ते काम वा वो आम आदमी पार्टी का किते भी नज़र नहीं आ रहा। महला क्लीनिंग देख लो, मेडिकल कॉलेज बनाने की गल तो बड़ी दूर आ, महला क्लीनिंग जिहड़े आ उन्हां दा देखो की हाल आ। मेडिकल जो डॉक्टर ने हॉस्पिटल जोड़े सरकारी है उत्तर डॉक्टर पूरी गिनती दे विच नहीं है, उन्हां दी भर्ती नहीं हो रही है। देखो ये गल्लां कॉलेज बनाना और पहला जी ऑलरेडी मेडिकल दियाँ सहूलत जड़िया चल रही, कम से कम पहला उन्होंने तो सुचारू रूप न लागू कर लो, उन्होंने जारी कर लो सुचारू ढंग में, वो तो चला लो मेडिकल कॉलेज तो बड़ी दूर की गल। सो ये गल् बैठे बैठे चंडीगढ़ च बयान देते हैं, लोग इन्होंने गलों समझते हैं, लोग सब जानते हैं। कहना मतलब कि सरकार कितने कितने लोगों को मिठी गोली दे रही है? पब्लिकली हरेकू पता कि उत्तर मेडिकल कॉलेज बन रहा कि नहीं बन रहा, हरेकू पता, तुम आम लोगों की चर्चा आम लोगों ने जाके गल सुन लो, बड़ी देर तो सुनिया जा रहा बन रहे बयान दिते जा रहे हैं कि बन रहा जी उसारी होगी। सो मैं भी देखी है न्यूज़, मैं आप बड़ा हैरान हाँ कि देखो कागजा में ही बन रहा, प्रैक्टिकली तो बन नहीं रहा कुछ भी, वो किनू दिखाया जा रहा, कि लोगों को खुश किया जा रहा कि कपूरथले च मेडिकल कॉलेज बन रहा। सो जमीनी पद्धर से कोई भी एक पैसे की इस गल की हकीकत नहीं है। हाँ जी सर, जब आप गल करिए बीजेपी के जिला प्रधान
तो पिछले दिन कह लो कि सी एम साहब वालों एक मीटिंग भी की गई 15 तरीक तक पेपर के न्यूज़ भी खबर भी लगी गई है कि चंगी पद्धर से मैडिकल कॉलेज कपूरथले के कम चल रहा है, तुम कित कम चलता पे नज़र आया? देखो जी, सब तो पहला सारे वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह, जय श्री राम। पंजाब सरकार जी झूठ की बुनियाद के उपर टिकी हुई है। उसका कारण की है कि बाकी स्टेटा बहुत अगे लग गई पंजाब नालों, क्योंकि सेंटर के पैसे का जरा उपयोग करते हैं। पंजाब जिहड़ा पैसा आता सेंटर गवर्नमेंट भेजती है वो सही तरीके ला नहीं रहा कितने भी। जो आप गल करिए कपूरथले के मेडिकल कॉलेज की, तो मेरे ख्याल में हाले तक टेंडर भी नहीं हो, तो सेंटर गवर्नमेंट ने जो अपना हिस्सा आ जिन्ना भी बनता से वो भेज दिता हुआ जिला प्रशासन मंत्रालय। और होर भी कई प्रोजेक्ट है जेडे कि जिदा साढ़े पिंड खोजेवाल की डिस्पेंसरी वास्ते 25 लाख रुपया भेजा सेंटर गवर्नमेंट ने, और जोड़े भारत सरकार के मंत्री गजेंद्र शेखावत जी उन्होंने 20 करोड़ रुपया जी कांजली वैटलैंड वास्ते भी भेजा। तो सारी डीसी साहब ने गल हुई सी, पर असी बहुत जल्दी डीसी कपूरथला साहब में मिल के इन प्रोजेक्टों के बारे जानकारी हासिल करांगे कि काम क्यों नहीं हो रहा, कितने रुकावट आ, तो जे कोई पंजाब सरकार की नरैकी है तो उन्होंने दूर किया जाए। तो जो कपूरथले वासियों द्वारा बड़ा ही देर तो मंग सी कि कपूरथला जो सरकारी हस्पताल है वो सिर्फ एक रैफर सेंटर तो अलावा होर कुछ नहीं है। उत्थे जो कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता या ढिला मठा हो जाता तो बेचारे लैके जाते हॉस्पिटल कपूरथले, तो सिर्फ रैफर किया जाता ना उत्थे कोई इलाज किया जाता। पर मोदी सरकार ने एक चंगी पहलकदमी की, पी जी सैटेलाइट पंजाब के, और पंजाब कई मेडिकल कॉलेज खोलन का उन्होंने जोड़ा है ऐलान किया, और पैसे भी उन्होंने भेजे हुए। पर पंजाब सरकार इस योग नहीं हैगी कि अपना जो हिस्सा वो भी पा सके, और कामे हाथ तक शुरू नहीं करा सके। नहीं तो पंजाब के जो 4 शहर की गल करते कि मेडिकल कॉलेज बनाने का काम और सारी का काम शुरू हो गया वा, पर गुमराह कितना क्यों कर रही है सरकार? देखो जी, मैं तो हम भी उतर लंघ के आया जिसे मेडिकल कॉलेज बनना उत्थे कोई कोई एक साल का काम शुरू। मैं तो मेरे बेनती की गल टेंडर ही नहीं हो, टेंडर के अंदर नहीं होया तो सी एम साहब कितना बयान दे जाते भी काम शुरू हो गया, ये तो हम सी एम साहब ही जानेंगे। पर मैं समझा कि आपको लोगों को गुमराह करना छोड़ के काम वाल ध्यान देना चाहिए, जो पंजाब के मुद्दे आ उन्हों की गल करनी चाहिए, ना कि आपको इधर उधर गल मार के टाइम पास कर। सर तुहाडे वल्लों भी बड़ी पहलकदमी की जा रही है, कह लो कि जैसे शहर के डिवेलपमेंट लिए जिमें कि कांजली हो गया, होर कई कह लो कि डिवेलपमेंट के प्रोजेक्टा लिए सेंटर सरकार तो फंड भी लैके आए, तो किन्ना टाइम लगेगा काम जो शुरू कराने लिए? देखो जी, जो डिस्पेंसरी वास्ते पैसे आए हैं वो भी आ चुके हुए प्रशासन के कोल, कांजली वैटलैंड वास्ते पैसे कपूरथला पहुँच चुके हुए, मेडिकल कॉलेज वास्ते पैसे पहुँच चुके हुए, और असी बहुत जल्दी जेडे रवनीत बिट्टू जी से रेलवे मंत्री आए थे पिछले दिन कपूरथला, उन्होंने बेनती की कि सानू करतारपुर का सुभानपुर का जो फ्लाईओवर बना के दिता जाए, और जो सा बडाला कला आ उत्थे शायद पॉसीबल तो नहीं है, पर उन्होंने सब भरोसा दिता भी करा के देवे भी उत्थे जो फ्लाईओवर बन करके जो पिंड के स्कूल आ मंडी आ सारा कुछ कट्टया गया कुछ दिनों उत्थे अंडरपास बनाया जाए, और उन्होंने मैं बकायदा चिट्ठिया पा के मैंने विश्वास दवाया कि इस उपर काम स्टार्ट कर दिया। जे आप गल करिए कह कि कांजली वैटलैंड लिए पहला भी बहुत पैसा आया वा लगा वा, पर कितने नज़र तो आया नहीं, तो तुहानू नहीं लगता है कि जिहड़ा कि तुहाडे वल्लों इन्नी कोशिश करके 20 करोड़ रुपए का जिहड़ा कि प्रोजेक्ट लैके आए है कि कांजली दे उत्ते लगूंगा? जिहड़े भारत सरकार के मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी वो कहिंदे कि तुसीं 20 करोड़ रुपया डीसी साहब के पिछे ला के उन्होंने कह के लवा लो, भी जो सेंटर गवर्नमेंट तुसीं 100 करोड़ रुपया होर लै लो, सानू पैसे की कमी नहीं है। पर ग्राउंड से पैसा लगे तो सही ना, पहलियां सरकार ने भी पैसे इतने लाए लखा करोड़ों रुपया जो कांजली के नाते खा गए, प्रशासन खा गया, जो कोई लीडर खा गया, मैं पता नहीं कौन खा गया। और मैं समझता कि लोगों का पैसा लोगों के लगना चाहिए ताकि लोगों को सहूलत मिल सके, और जो कांजली वैटलैंड है साढ़े पुराने बहुत सदियों तो कह लो चलता आ रहा, इतने प्रवासी पंछी आते हैं, दो ही वैटलैंड है पंजाब, एक कांजली वैटलैंड है और एक हरी के वैटलैंड है, और इन्हों को अपने सांभ संभाल करनी चाहिए ता जो वातावरण अपना बचा। हाँ जी सर, जो गल करिए आम पार्टी के सीनियर आगू
तो जो आप मैडिकल कॉलेज में लैके गल करिए जो कपूरथला कितना चाहिए मैडिकल कॉलेज में। सब तो पहला तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा शायर कंवर इकबाल सिंह मैंबर साइंस एंड टैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब और कपूरथले संबंधित होने करके मैं व्यापार मंडल कपूरथला का जिला प्रधान भी हाँ। पार्टी ने बड़ी वड्डी सेवा जिते साइंस एंड टैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बख्शी है उत्थे कपूरथले दे जिला प्रधान की सेवा मैनू बख्शी है। तुहाडा सवाल है मैडिकल कॉलेज बारे। देखो गल है बड़े लंबे समय तो प्रोजैक्ट लटकया होया सी। साडी सरकार बनी भगवंत मान साहब ने पंजाब विच होर भी मैडिकल कॉलेज जिहड़े ने उन्हां दे उद्घाटन किए, इहदा भी उद्घाटन हो चुका और तकरीबन टेंडर ते गल पहुँची हुई है। प्रोसैस जारी है, मतलब काम चल रहे हैं। काम मतलब कागज़ां दे विच जिहड़ियां फॉरमैलिटीज़ होंदियां ने जिहड़े टेंडर वगैरह भरने होंदे ने वो सारा काम चल रहा। नहीं जो गल करिए कल कि चंडीगढ़ 15 तरीक ने एक मीटिंग भी की थी सीएम साहब ने, तो जिहदे विच कई अधिकारियों निगरानी ते ला दिता वा कि काम चलता पिया वा मैडिकल कॉलेज का कपूरथला मोहाली मलेरकोटला हो चार जिले कह लो कि मैडिकल कॉलेज का काम चलता पिया वा। सानू तो इत्थे कितें नज़र नहीं आया काम मैडिकल कॉलेज। गल है मेरे वीर जिहड़ी सीएम साहब ने मीटिंग की है उहदे च बिल्कुल संगरूर का नाम तुसीं भुल गए, संगरूर भी प्रोजैक्ट दे विच है। संगरूर मलेरकोटला इस सारे थावां ते मैडिकल कॉलेज की देखो मैं तुहानूं बेनती की है अजे जिहड़ा ग्राउंड लैवल ते काम शुरू होया वह टेंडरां तों शुरू होया। जिहड़ी पहलां उत्थे ऑलरेडी बिल्डिंग बनी है डिमोलिश होएगी, वह बिल्डिंग नूं रिमूव करके अगला ठेकेदार नूं ठेका दिता जाएगा। वह टैक्निकली काम हो रहे ने। लोगों नूं बेनती है साडे इलाके दे पंजाब वासियां नूं इलाका वासियां नूं कि थोड़ा ठरमे नाल काम करिए। पंजाब सरकार बहुत वधिया काम कर रही, भगवंत मान साहब बहुत वधिया काम कर रहे हैं। जे उन्होंने सानू मैडिकल कॉलेज की सहूलत देन दा वादा किया, उद्घाटन भी किया और उस प्रोजेक्ट ते काम चल रहा है। नहीं जिहड़े अखबारां च बयानबाजी आउंदी कि किते इह तां नहीं हैगा कि अखबारां च ही मतलब कि मैडिकल कॉलेज बन के रह जूगा। नहीं कदी भी नहीं जी। देखो मैं मीडिया ते कोई किंतु परंतु नहीं करदा। वो खबर जिहड़ी तुसीं कह रहे हो मेरे ध्यान च नहीं आई, मैं नहीं पढ़ सकिया, पर मैं तुहाडा उही बेनती कर रहा कोई अखबारां दा काम नहीं, अखबारों के कोई यहोजा बयान नहीं आएगा गलत। जे काम हो रहा तो अखबारों बयान आया होएगा। काम तुहानू बेनती कर रहे हैं टेंडर वगैरह हुए ने वो टेंडर के आधार पर काम कहते काम हो रहा वा, पर उत्थे मैडिकल कह लो कि जगह बिल्कुल खाली पई कितने कोई दूरों दूरों नामों निशान ना जाए। नहीं नहीं टेंडर टेंडर भाजी देखो मैडिकल कॉलेज की उसारी का काम चल रहा। नहीं उसारी का नहीं चल रहा, मैं तुम्हें बार बार कह रहा पेपर च तो सीएम उन्होंने वालों यही क्या उसारी का नहीं। उन्होंने अधिकारियों देखो तुहाडी गल का जवाब दे रहे हैं, तुम अखबार का बयान दसिया मैनू भी उन्होंने अधिकारियों जिम्मेवारी लाई है भी वह काम का देख रेख कर ध्यान रख। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ, ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰਨੀ। ਨਾ 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 ਸੁਣੋ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੜਿਆ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਟੀਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਢਾਹਭੰਨ ਹੋਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ BJP ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੰਡ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BJP ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। BJP ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਹੈ। BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ 27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰੁੰਡਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਆਇਸ ਬ੍ਰੈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੇਲੀ ਰੱਖ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਚੁਆਨੀ ਰੱਖ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ,